हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान तरीके से होममेड कंडेंस मिल्क, वो भी सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स के साथ। इस कंडेंस मिल्क को आप किसी भी केक, आइसक्रीम, डिजर्ट्स, किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। अब आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये घर में ही सिर्फ दो इन्ग्रीडियंट्स के साथ बनाया जा सकता है। कंडेंस मिल्क को बनाने के लिए मैंने यहाँ थोड़ा भारा बर्तन लिया है जिससे दूध नीचे ना लगे। अब हम हीट को बिल्कुल मीडियम पर कर इसमें 3 कप दूध ऐड करेंगे। मैंने यहाँ 1.5 कप चीनी डाली है। अब इसे तब तक खिलाएंगे जब तक चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती, और उसके बाद हीट को और कम कर देंगे। यह चीनी अच्छे से घुल गई है। अब मैं स्टोव को लो से मीडियम पर ही रखकर इसे ढक दूंगी और हम इसे 10 से 12 मिनट तक दोबारा चेक करेंगे। आप चाहें तो इसे तेज़ आंच पर भी पका सकते हैं, पर उसमें आपको लगातार इसे हिलाते रहना होगा। हमें अब 10 मिनट हो चुके हैं, हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। ये बिल्कुल पतला है अभी, इसे हिलाकर हम दोबारा ढक देंगे और फिर 10 से 12 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। आप चाहें तो तेज आंच पर इसे हिलाते रहिए, पर मैं अभी इसे ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ दूंगी। हमें अब 12 मिनट हो चुके हैं, हम इसे फिर से चेक कर लेंगे। ये देखिए, अब ये थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होने लगा है, पर इसकी कंसिस्टेंसी अभी भी वैसी नहीं है जैसी हमें चाहिए। अब इसमें चम्मच चलाते हुए इसे ऐसे ही पकाएंगे। ये देखिए, अब ये गाढ़ा हो गया है। इसे चेक करने के लिए आप एक चम्मच यूज़ कर सकते हैं। अब आप चम्मच के बैक का हिस्सा देखिए, इसमें ये चिपकने लगा है, जिससे पता लगता है कि ये अब बनकर तैयार हो गया है। हम इसे स्टोव से जल्दी से उतार लेंगे, नहीं तो ये और गाढ़ा होता जाएगा। ये देखिए, हमारा कंडेंस मिल्क बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। ये ठंडा होकर और भी गाढ़ा हो जाता है। अब आप इसे किसी भी लिड वाले कंटेनर में निकालकर फ्रिज में करीब 1 हफ्ते के लिए या फ्रीजर में 2 से 3 महीने के लिए रख सकते हैं। और जब भी कुछ मीठा खाने को मन करे, बस इसे ऐड कीजिए और उसका लुत्फ उठाइए। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर फ्यूचर रेसिपीज।